जनपद महोबा में प्यासे लोग खतरे में जान डालकर पानी लेने के लिए मजबूर। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के जनपद महोबा के अंतर्गत पत्थर नगरी कबरई के राजेंद्र नगर के एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग बेवश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने को मजबूर हैं। दरअसल गर्मियों के मौसम में यह नज़ारा अधिकतर देखने को मिलता है। जब नगर पंचायत का टैंकर कबरई कस्बे के मोहल्ले में जाता है तो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी अपनी शटकों से पीने के लिए पानी निकालते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिस पत्थर मंडी कबरई का गिट्टी पत्थर भारत के कोने कोने में जाकर सड़कों का निर्माण आदि के कामों में लाया जाता है, उसी बेनसीब नगर पंचायत कबरई के निवासियों को पानी की समस्या क्यों झेलनी पड़ती है? आखिर कब तक शासन प्रशासन इन मजदूरों ग्रामवासियों का ध्यान देगा? एक बार हम आपको फिर बता दें कि यह ताज़ा वीडियो हम कबरई कस्बे के राजेंद्र नगर का दिखा रहे हैं। इसमें लोग किस तरह बेवश होकर पीने के पानी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर पानी भरने को मजबूर हैं। क्या समस्या है पानी को लेकर यहाँ पर? अरे भैया, यहाँ तो पानी में लाठी डंडा चला थे। हमारे बूढ़े आदमी, हमसे एक बाल्टी पानी नहीं आ रहा हुआ। हम कहाँ से पाइए पानी? तो किस प्रकार से पानी आता है यहाँ पर? यहाँ चार दिन में एक दिन टैंकर आता। टैंकर कौन भेजता? नगर पालिका की तरफ से। हाँ, नगर पालिका की तरफ से। तो क्या मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, दूर दूर रहने के लिए सरकार बोल रही है, तो क्या यहाँ पर लोग पालन करते हैं इसका? कुछ नहीं कर रहा सरकार, जब पानी की व्यवस्था नहीं है तो पालन क्या करिए? क्या पालन करिए सरकार? जब कोई खाना पीना कोई खींच के पानी, तब खाना पीना तो प्यारा को पानी नहीं मिल रहा तो और आफत आ। नाम है आपका? जी विजय कुमार गुप्ता, राजेंद्र नगर कबरई के रहने वाले हैं। जी क्या समस्या है आपकी? हम लोगों की ये है कि पिछले 20-25 दिनों से लगातार जो है हम लोग परेशान हैं पानी के लिए। जी अभी 3-4 दिन पहले हम लोग चेयरमैन साहब के साथ में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा, जे हिसाब से बात हुई, वहाँ विभाग के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा अब हम पर डे आपको पानी देंगे। जी कल पानी आया, इसके बाद आज फिर लापरवाही इन्होंने कर दी। अब कह रहे हैं कोई रात को टंकी खोल गया। जी अब बताइए, बगैर जो है विभाग की जानकारी के कोई टंकी कैसे खोल सकता? बिल्कुल सरासर जो है ये जल संस्थान के कर्मचारियों की अधिकारियों की लापरवाही है। जी इसके खिलाफ हम लोग थाने में FIR करने जा रहे हैं। जी आपकी क्या मांग है शासन से? क्या मांग? हमारी शासन से मांग है कि लॉकडाउन का हम लोग उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, तो लॉकडाउन भी जो है चलता रहे, सरकार के आदेशानुसार हम लोग पानी मिले जैसे अभी तक मिलता रहा है। 15-20 दिन पहले तक हम लोगों के घरों में खूब पानी आता था पर डे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से ही ये समस्या आ गई है। हम लोग चाहते हैं कि पूर्वत जैसे यह चलता रहा है वैसे चलता रहे और पानी हम लोगों को मिले घर में। महोबा से UP24 न्यूज़ के लिए जिला संवाददाता संतोष कौशिक की रिपोर्ट।